हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आप देख रहे हैं ना बिफ़ोर और आफ्टर में फ़र्क। बिफ़ोर में आप देख रहे हैं डल सा मेरा चेहरा, और आफ्टर में ग्लो भी आ गया है और स्किन जो है थोड़ी सी गोरी गोरी लग रही है ना, डलनेस जा चुकी है। तो ये हुआ है राइस फेशियल से। उसके बाद जो मैंने पिक ली वो इस तरीके की आई, और मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगा रखा है फेस पे। तो ये मैंने किया था राइस फेशियल, और जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग बहुत कर रहे थे कि शेयर करो, तो चलिए आज शेयर कर देते हैं। ये मैंने 2 चम्मच के करीब जो है राइस लिया था और इसे पानी में भिगो दिया था आधा घंटे के लिए। कोई भी राइस आप ले सकते हैं जो भी आपके घर में हो, धोकर इसे भिगो देना। और उसके बाद क्या करना है, आधे घंटे बाद हमें इसे मिक्सी में डाल देना है उसी पानी के साथ। और फिर हम इसका क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि पानी ज़्यादा है तो कुछ राइस जो है नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। ये देखिए नीचे जो पार्ट बचता है ना, बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं पीसना है कि राइस पूरा ही पानी बन जाए, तो ऐसा रखना है कि दरदरा नीचे पार्ट बच जाए। तो फिर अब इसे हम छान लेंगे, ठीक है। जब छान लेंगे तो ये पानी तो नीचे चला जाएगा और ये जो पार्ट है ना, दरदरा पार्ट, ये बच जाएगा। ये हमारा बनेगा स्क्रब, देख रहे हैं ना आप। इससे भी थोड़ा सा और दरदरा हो तो चलेगा, लेकिन इतना भी बहुत है। किसी की सेंसिटिव स्किन हो तो स्क्रब उसको इतना चलता नहीं है, तो हाँ पतला पतला ठीक है। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, किसी भी पेन में आप डालिए इसको और गैस पे चढ़ा के बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसे पका लीजिए। लगातार चलाते हुए पकाना, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है तो कुछ ही सेकेंड्स, मिनटों भी नहीं, कुछ ही सेकेंड्स में ये गाढ़ा होने लगेगा और इसकी एक क्रीम बन जाएगी, क्रीम टाइप गाढ़ा गाढ़ा ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। ये तीनों चीज़ों में काम आएगी, हमारे स्क्रब में भी और फेशियल मसाज में भी, और जो है और फेस पैक में भी इसे ही हमें यूज़ लेना है। तो ये आधा चम्मच के करीब मेरा बना था राइस का जो दरदरा पार्ट निकला था ना, वो बच गया था। अब आधा चम्मच ये है, तो आधा चम्मच हमने जो क्रीम बनाई उसको ठंडा करना है, पूरे अच्छे से पहले ठंडा करना है, और उसके बाद इसमें हमें मिलाना है आधा चम्मच, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें आधा चम्मच ही हम एलोवेरा जेल डाल देंगे। पहले आप लगा के चेक कर लें, कहीं स्किन आपकी अगर सेंसिटिव है तो आप पहले हाथों पे या कहीं लगा के थोड़ा सा टेस्ट कर लें, उसके बाद ही पूरी शक्ल पे जो है यूज़ लें। तो ये देखिए इस तरीके से तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, तो हमारा जो स्क्रब है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी पहले वाली स्किन है, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है इस पर, ठीक है, ना स्क्रब किया है, ना फेशियल क्रीम लगाई है, ना ही कुछ लगाया है। तो अब इसको मैं फेस वॉश से वॉश कर लूँगी स्किन को। आप चाहे गुलाब जल से कॉटन के द्वारा भी साफ कर सकते हैं। फिर मैं ये स्क्रब लगा लूँगी राइस वाला पूरी फेस पे, और हल्के हाथों से इसे स्क्रब करना है ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, मसाज करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर रखा है, इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं जोर जोर से कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। स्किन पे हमें कभी भी तेज तेज या जोर जोर से कुछ भी नहीं करना चाहिए, स्किन को जो है हानि पहुंच सकती है। तो हल्के हाथों से हम करेंगे इस तरीके से स्क्रब, हम जैसे करते हैं वैसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब कर लेना है इससे। ये देखिए इस तरीके से हमें स्क्रब कर लेना है, जब स्क्रब हो जाए तब हमें इसे वॉश कर लेना है। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है। तो ओनली स्क्रब से ही आप देख सकते हैं पहले वाली डल स्किन और स्क्रब के बाद की स्किन को, देखिए कितना फ़र्क लग रहा है ना, और एक बार में ही, ओनली फर्स्ट टाइम में। तो इसको डैप डैप करके, मतलब ऐसे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे थपथपाकर हमें पहुंचना है स्किन को, कभी भी रगड़ के नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर जो हमने राइस की क्रीम बनाई थी ना, आधा चम्मच हमें फिर से वो ले लेनी है। अब हम बना रहे हैं फेशियल क्रीम फेस मसाज के लिए, ठीक है। तो आधा चम्मच मैंने वो वाली क्रीम ले ली है, राइस का जो बन गई थी ना क्रीम, राइस के वाटर की वो, और आधा चम्मच ही हमें एलोवेरा जेल ले लेना है। इसमें से जो कोई भी चीज़ आपको नहीं सूट करती हो तो पहले आप देख लें कि हनी आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, एलोवेरा जेल सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ही आप स्किन पे यूज़ लें। तो आधा चम्मच ही मैंने हनी ले लिया है, ठीक है, और एक विटामिन ई की जो है कैप्सूल है वो डाल देंगे इसमें, या तो कट लगा के कर लें या फिर जो सेफ्टी पिन आती है उससे हमें छेद करके इसका ऑयल निकाल लेना है, विटामिन ई का ऑयल निकाल लेना है इस पर। ये देखिए, और आपको इन सबका तो पता ही है, राइस हमारी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, विटामिन ई कितनी फ़ायदेमंद होती है, और एलोवेरा जेल। तो इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये जो हमारी फेशियल क्रीम है वो बन चुकी है, मसाज क्रीम जो है वो बन चुकी है। इससे हमें
अपने फेस पे जो है मसाज करनी है। ये है हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने किया स्क्रब, सेकंड स्टेप में हम करेंगे, ये देखिए स्किन पे पहले ही आपको कितना फ़र्क दिख रहा होगा पहले वाली और अब वाली में। तो अब फेशियल जो है क्रीम जो है मैंने लगा ली है और फेस मसाज करेंगे। इसे पूरे फेस पे हमें अप्लाई कर लेना है और उसके बाद ऊपर से नीचे करते हुए सर्कुलर मोशन में, जैसे कि हम मसाज करते हैं, जैसे कि पार्लर में हमारी मसाज होती है, उसी तरीके से हमें इससे हमें मसाज कर लेनी है। लगभग 5 मिनट के करीब तो हमें मसाज करनी ही करनी है। तो इस तरीके से हमें पूरे फेस पे मसाज कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से पूरे फेस पे लगातार 5 मिनट तक आप करते रहें हल्के हाथों से मसाज इस मसाज क्रीम से। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा पैक। और अगर आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को पहले ही बना लें और उसके बाद पहले स्क्रब करें, फिर मसाज कर लें और फिर फेस पैक लगा लें। तो ये देखिए इस तरीके से 5 मिनट मसाज करने के बाद फिर से हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए अब इसे मैं वापस से पोंछ लूँगी। ये मैंने फेस को धो लिया है, ओनली नॉर्मल पानी से धोया है मैंने, कुछ भी इस पे अप्लाई हमें ऐसे फेस वॉश वगैरह ना वो नहीं लगाने हैं। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं ना फर्क, ग्लो आ गया ना मेरे स्किन पे, को बहुत ड्राई है, ग्लो बड़ी मुश्किल से आता है, बट आप मेरी नोज़ पे और यहाँ पे देखिए कितना ग्लो आ गया है ना, दिखाई दे रहा ना। और ये तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइट में वीडियो बना रही हूँ इस वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पैक बनाएंगे, फेस पैक। तो ये मैंने वही बचा हुआ जो राइस का क्रीम है वो ले लिया, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले ली है मैंने, ठीक है। आप चंदन का पाउडर या वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ले लेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, ठीक है। गुलाब जल आप होममेड भी यूज़ दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मार्केट का ही कुछ यूज़ देना है, होममेड आप यूज़ दे सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा फेस पैक जो है वो तैयार हो गया। ये है हमारा थर्ड स्टेप। तो थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, आप थोड़ा और पतला बना लें और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इस पैक को अपने फेस पे लगा लेना है। तो एक बारी में ही आपको काफ़ी आपकी शक्ल में जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। जब आप अगर कर लें तो करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो ये देखिए मैं लगा लूँगी, इससे ना स्किन मेरे को पहली बार में बहुत टाइट सी लगने लग गई थी और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई थी, ग्लो आ गया था और जो वाइटनेस तो जो है वो आई थी, डलनेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो बस इस तरीके से हमें पैक को लगा लेना है पूरे फेस पे, आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हमें इसे पूरा सुखा लेना है, जब ये अच्छे से सूख जाए तब हमें इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से जैसे हम फेस पैक लगाते हैं, तो ये वही फेस पैक है जैसे कि बाहर के फेस पैक होते हैं उसी तरीके से ये है। तो बस ये अब सूख चुका है, तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है और बस इसको मैं पोंछ लूँगी। इसके बाद आप कोई भी टोनर यूज़ ले सकते हैं, जो भी आप टोनर यूज़ लेते हैं, या फिर गुलाब जल यूज़ ले लीजिए, गुलाब जल जो है टोनर का ही काम करता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे पोंछ लेना है। तो आप देख रहे हैं ना मेरे फेस पे ग्लो, ये देखिए नोज़ मेरी चमक रही है, आइज़ के आसपास भी चमक दिख रही है। ये देखिए पहले की डल स्किन और अभी की स्किन में आपको काफ़ी फ़र्क जो है देखने मिलेगा। ये देखिए मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया, कोई रिंग लाइट यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल मैं आपको रियल में बता रही हूँ कि ये रियल फेस है मेरा, और कुछ भी लाइट वाइट तो है ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये देखिए उसके बाद स्किन कितनी टाइट लग रही है ना, बिल्कुल लूज़ नहीं लग रही है, बिल्कुल टाइट टाइट सी और बहुत सॉफ्ट हो गई थी मेरी स्किन। बहुत अच्छा फेशियल है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एक बार पहले हाथों पे ट्राई कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।